टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और देश के जाने माने बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री का आज 4 सितंबर को 54 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह मुंबई से अहमदाबाद जा रहे थे, इसी दौरान पाल घर के नजदीक उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें साइरस मिस्त्री समेत 2 की मौत हो गई और 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। साइरस मिस्त्री का नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आता था। साइरस मिस्त्री के अगर बिजनेस की बात करें तो उनका कारोबार सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक फैला था। रिपोर्ट के मुताबिक वह 2012 से लेकर 2016 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे और टाटा ग्रुप में साइरस मिस्त्री के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 18.4% की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइरस मिस्त्री की कुल संपत्ति $10 बिलियन से भी ज्यादा है। अगर इसे इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक थे। इसके अलावा साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के ऐसे दूसरे चेयरमैन थे जिनका सरनेम टाटा नहीं था। साइरस मिस्त्री अपने पत्नी के साथ मुंबई के एक बड़े और आलीशान घर में रहते थे। मुंबई के अलावा इनका लंदन और दुबई जैसे देशों में भी घर मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइरस मिस्त्री के नाम एक शानदार यार्ड भी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। वहीं अगर इनके कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके कार कलेक्शन में दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां मौजूद हैं।